नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में बारह नवंबर 2021 शुक्रवार का दिन है और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष आज अष्टमी तिथि है और नक्षत्र की बात करें तो आज धनिष्ठा है और अब जीत मुहूर्त आज दोपहर ग्यारह बज के मिनट से लेकर दोपहर बारह बज के मिनट तक रहेगा आज का सूर्योदय सुबह छः बजकर अठारह मिनट पे और चंद्रमा की स्थिति जो है वो सुबह आठ बजे तक रहेगी मकर राशि में इसके बाद कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे यानी सुबह आठ बजे चंद्रमा कुंभ राशि पे गोचर कर जाएंगे यानी आपके भाग भाव पे गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि आपको अष्टम भाव से निकल कर भाग भाव पर जाएंगे चंद्रमा और आज के जो अशुभ समय रहेगा वह तकरीबन शाम छः बजकर दो मिनट से लेकर शाम सात बजकर बयालीस मिनट तक रहेगा रात्रि यानी सात बजकर बयालीस मिनट तक रहेगा इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करने तो विघ्न बाधाएं आ सकती है अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की और ये प्रेक्शन चंद्र राशि पर आधारित है मिथुन राशि के आतको ये छह कार्य आज होकर रहेंगे क्योंकि आज भाग भाव पे चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तो आज भाग का साथ मिलेगा किस्मत का साथ मिलेगा तो मिथुन राशि के आतको आज, आज आपकी विशेष व्यक्तियों से पहचान एवं मुलाकात हो सकती है जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी आज आपको नसीब का साथ मिल रहा है आपका साथ भी मिल रहा है लोगों का साथ मिल रहा है भाग्य के साथ साथ किस्मत का साथ मिल रहा है अपनों का साथ मिल रहा है मिथुन राशि राश को आपका दिन आज के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जीवन साथी आज आपके हर कार्य में मदद करते दिखाई देंगे उनके सहयोग से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी वह भी आपके कार्यक्षेत्र में आज सहयोग करते हुए दिखाई देंगे आज आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिथुन राशि को जमीन वगैरह खरीद सकते हैं जो कि आपका पहला कार्य पूरा होगा ज़मीन प्रॉपर्टी का जो काफ़ी दिनों से रुका हुआ था दूसरा कार्य मिथुन राश को आज आपके करियर में एक बड़े पद के आस लगाए बैठे थे तो पद प्रमोशन को लेकर बनेगा और नौकरी के रूप में भी आज आपके ये कार्य पूरे होंगे नौकरी में इजाफा होगा नौकरी लगने की संभावना है बड़ी कंपनी से आफा आ सकता है जॉब के लिए साथ ही कोई महत्वपूर्ण काम अगर आपके करियर में रुका हुआ था काफ़ी दिनों से अगर उस काम की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो मिथुन राशि को आज आपको सुनहरा मौका मिलेगा और ये कार्य पूरा होता नजर आएगा और तीसरा कार्य बिजनेस व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण डील के रूप में होगा इस डील के फाइनल होने से मिथुन राशि को आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत तो होगी ही होगी साथ ही बल्कि आपके वित्तीय मामलों में भी सुधार देखने को मिलेगा तो कार्यक्षेत्र में लाभ होगा कार्य को पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे साझेदारी में किए गए बिजनेस व्यापार में भी लाभ होगा लॉटरी सट्टा में भी लाभ होगा इनकम आय में वृद्धि होगी रुका व फसा धन प्राप्त होगा साथ ही चौथा कार्य आज आपका पूरा होगा मिथुन रासगैथ को बैंकिंग के क्षेत्र में कोई लोन वगैरह जो आपका काफी दिनों से रुका हुआ था इस लोन के मंजूर होने से आपके कार्य में इजाफा होगा कार्य तेजी से प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे कार्यक्षेत्र में लाभ होगा बड़े लोगों का मान सम्मान की प्राप्ति होगी बड़े लोग आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं मिथुन रासगैद को जो कुछ भी दिक्कतें थी जो कुछ भी परेशानी चली आ रही थी अब वो धीरे धीरे मिथुन रासगत को आज के दिन समाप्त होती हुई नजर आएगी पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल बना रहेगा और जो अविवाहित जातक है पांचवा कार्य उनका अविवाहित जातकों के रिश्तों की बात हो सकती है रिश्तों के यानी कि नए रिश्ते शादीवाह के आ सकते हैं घर में शुभ कार्य हो सकते हैं घर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा आज आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा कुछ महत्वपूर्ण काम करते नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि के को आज भाग का साथ मिलेगा लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा भाग भाव पे नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं आपसे तो लंबी दूरी की यात्राएं होंगी धर्म कर्म से संबंधित यात्राएं होंगी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और आज दान दक्षिणा करते नज़र आएंगे मिथुन राशि के को लोगों की मदद करते हुए नजर आएंगे वहीं लोगों की हेल्प भी ले सकते हैं मिथुन राशि के को आपके सोचे हुए कार्य जरूर पूरे होते नज़र आएंगे जो कुछ भी समस्याएँ थी जो कुछ भी परेशानियाँ थी धीरे धीरे वो समाप्त होती हुई नज़र आएगी तो मिथुन राजकीय को तो निश्चित तौर पे कहा जाए तो स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हो रही है हर प्रकार से आपको लाभ मिल रहे हैं जो कुछ भी दिक्कतें थी जो कुछ भी परेशानियाँ थी धीरे धीरे वो समाप्त होती हुई नजर आएगी यानी कुल मिला कहा जाए तो स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हो रही है हर प्रकार से लाभ मिलेगा मिथुन राशि राजकी को अपनों के साथ साथ आज पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर होंगे पड़ोसियों के साथ काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो पहले विवाद था या फिर अनबन थी वो दूर होंगी वैवाहिक जीवन की बात करें तो पाँचवां कार्य संतान के रूप में मिलेगा जी हाँ पाँचवां कार्य आपका संतान के रूप में संपन्न होगा क्योंकि आज संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं संतान संबंधी समस्याएं आज दिन के दिन तो मिथुन राशि के कहत्व समाप्त होगी घर परिवार में काफ़ी सुखदपूर्ण माहौल बनेगा और वहीं जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा समर्थन मिलेगा आपके काम के क्षेत्र में वो अपना पूरा पूरा समर्थन और सहयोग दे सकते हैं कंधे से कंधे मिलाकर जीवन साथी चलेंगे तो मिथुन राशि के रासकत्वों अगर लव लाइफ की बात करें तो लव पार्टनर के साथ भी अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा आज लव पार्टनर के साथ आज खूबसूरत वक्त बिताएंगे उनके साथ ढेर सारी मीठी मीठी बातें हो सकती हैं पहले की उपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करते नजर आएंगे और कुछ उपहार स्वरूप उन्हें दे सकते हैं या फिर उपहार स्वरूप ले सकते हैं बर्थडे पार्टी में शामिल होने का मौका मिलेगा मिल बैठ के यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें कर सकते हैं मिथुन राशि क्यों आज स्वास्थ्य उत्तम रहेगा जो कि छठवा कार्य पूरा होगा क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी वही छठा कार्य आज आपका पूरा होगा आप विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट के लिए क्योंकि आज कोई पुर्तोगी परीक्षा एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आज ये कार्य पूरा होगा और बेहतरीन आपको आगे चल के इसका रिजल्ट भी मिलेगा मेहनत जो है आपके रंग लाएगी मिथुन राशि के जात को निश्चित तौर पर आज के दिन काफ़ी अच्छा रहेगा हर प्रकार से आपको लाभदायक रहेगा विदेश की यात्राएँ हो सकती हैं यात्राओं के योग बन रहे हैं तो यात्रा करते समय आपको हल्के अतिरिक्त तो सावधानी बरतें लेकिन यात्रा आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी विदेश से संबंधित यात्रा होगी लंबी यात्रा हो सकती है और आज अपनी कीमती चीज़ की देखरेख जरूर करें यात्रा करते समय लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि मिथुन राशि के को आज आपको विदेश में जाकर सेटलमेंट होने का वहाँ पर बिजनेस व्यापार करने का वहाँ पर महत्वपूर्ण कोई कार्य करने का मौका मिलता हुआ नजर आएगा कुल मिलाकर कहा जाए तो स्थिति काफ़ी बेहतर होगी हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा जो कुछ भी दिक्कतें थी जो कुछ भी परेशानी थी धीरे धीरे वो सॉल्व होती हुई नजर आएगी यानी हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा हर प्रकार से आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज के दिन काफ़ी अच्छे माहौल का निर्माण होगा मिथुन राष्ट्रत को और आज सामाजिक क्षेत्र में आपका बोलबाला रहेगा सामाजिक क्षेत्र में आपकी जान पहचान बढ़ सकती है महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं और मिथुन को महत्वपूर्ण लोगों के साथ आज आपके अनबन दूर होंगे महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपके बेहतरीन यानी कि अवसर जो हैं वो जो मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे समाज में मान सम्मान बढ़ेगा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा और लगाव बन सकता है आज आप बैंकिंग के क्षेत्र से भी लाभ हो सकता है इनकम आय में वृद्धि होगी लोटरी सट्टा में लाभ होगा इनकम में यानी कि अगर आप निवेश करते हैं आज तो आपको लाभ जरूर होगा किए गए पहले से निवेश जैसे कि लॉटरी सट्टा तो में तो लाभ होगा लेकिन शेयर मार्केटिंग के क्षेत्र में लाभ होगा जमीन प्रॉपर्टी में अगर आपने पहले से मिथुन के राजकृत निवेश किया हुआ है तो पहले से किए गए निवेश में भी आज आपको लाभ देखने को मिलेगा और खासकर धन को लेकर चिंताएँ दूर होंगी धन संबंधित परेशानियाँ आपकी आज समाप्त होती हुई नजर आएगी तो मिथुन राशि के जातकों धन से संबंधित जुड़ा मामला आज आपका हल होगा कोई महत्वपूर्ण काम आपके बनेंगे जो काफ़ी दिनों से नहीं बन पा रहे थे उस काम में भी आज, आज आपको सफलता मिलती हुई नज़र आएगी कुल मिला के कहा जाए तो मिथुन के जातकों आज के दिन बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं हर प्रकार से आपको लाभ मिलने वाले हैं जो कुछ भी दिक्कतें थी जो कुछ भी परेशानियाँ थी धीरे धीरे वो आज समाप्त होती हुई नजर आएगी तो कुल मिला कहा जाए तो आज के दिन काफ़ी अच्छा रहेगा हर प्रकार से हर माहौल को बेहतर करने वाला साबित होगा और मिथुन राश को तो निश्चित तौर पर कहा जाए तो आज कई महत्वपूर्ण काम बनेंगे खासकर छः कार बनते हुए नजर आएंगे तो मिथुन राश के जातकों आज आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर नीला पीला कलर और भाग साथ निवारा आपका तकरीबन 85 फाइव परसेंट तो था दोस्तों ज्यादा आते थे, थे वीडियो लाइक जरूर करें नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिए जय शनिदेव